Major questions? You look for me then. Silence, please. Hello, ma'am. Hello. Yes. The trailer looked amazing, you know. It also reminded take you somewhere in 90s. Okay. The moment you saw it. And, you know, the very first thing I want to ask you, what is the first reaction the moment is, you know, maker asked you to be on board for this song? My first thing was Sameer Anjan. So he's a very good lyricist, very famous. And unke song ko koi mana nahi kar sakta. So I said, okay, let's do this. And I'm so happy doing it because song has come out really well. और इसमें फरहान साहब ने गाया है, जिस हिसाब से गाया है वो उनकी वॉइस इस सॉन्ग को बहुत सूट कर रही है. प्लस जो म्यूज़िक कंपोज़र है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है. सो बेसिकली इस वक्त जो जिस टाइप के सॉन्ग्स आ रहे हैं उसके बीच में एक अलग फ्लेवर मुझे मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि इसे करना चाहिए बिकॉज इट हैज़ स्टोरी लाइन जिसमें एक नॉर्मली जैसे हम गाने देख रहे हैं बादशाह के, जानी के, या जो भी आजकल जो गाने आ रहे हैं, तो उसमें एक स्टोरी लाइन नहीं होती और इसमें एक स्टोरी है. तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ काम करने के लिए बहुत कुछ है, एक्टिंग करने के लिए और इमोशन को टच करने के लिए बहुत कुछ है. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू डू इट. There's always a brief from the director. What was the director brief when you came on board and, you know, before you started shooting? They said that it's a sad song, sad romantic song. So I thought, let's do it. And acting base hai. So this is what it is. When I talk about Sameer Anjan, I talk about him, so many people are so big. पहले लिखा गया या पहले संगीत तैयार हुआ? पहले मैंने म्यूज़िक सुना, उसके बाद बेसिकली जो कंपोज़र है उन्होंने मुझे धुन सुनाई और उसके कुछ लाइन भी ऑलरेडी गा चुके थे. समीर जी का लिखा गया था लेकिन कंप्लीट नहीं था सॉन्ग. तो धुन सुन के ही मुझे लगा कि नहीं, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ करने के लिए. अच्छा, परफॉर्मेंस वाइज यू लुक सो प्रॉमिसिंग. जब मैं बात करता हूँ आप, यू नो, मैंने पूरा का पूरा सिंगल देखा है, ये बहुत इमोशंस हैं, बहुत शेड्स हैं, कहीं धोखा है, कहीं किसी से प्यार है. और क्या चैलेंजिंग रहा आपके लिए? मुझे एक्टिंग बेस वीडियो है तो मुझे मज़ा आया. मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट है करना चाहिए और बहुत स्मूथ चला गया. बहुत स्मूथ था, बहुत ईजी रहा, क्योंकि एक लव वाला जो इमोशन है वो हम बचपन से सीखते हैं, अपनी माँ से सीखते हैं. और लव और धोखा तो आजकल सबके साथ हो ही रहा है. सो मज़ा आया. How is experience working with Rajnish? Rajnish is experienced actor, काफ़ी काम किया हुआ है, तो उनके साथ बहुत ईजी था. उनको पता था कि उन्हें क्या शॉट देना है, मुझे पता था, ईजी हो गया, इसलिए काफ़ी ईजी हो गया. क्या एक नई शुरुआत है जब मैं आज की बात करता हूँ और आज हम जिस तरह के गाने सुनते आ रहे हैं, एक उस ट्रेंड को तोड़ने की कोशिश है आपके सिंगर से? ऐसे जिस तरह के मैनो गाने आ रहे हैं और ये बिल्कुल ट्रेंड से हट गई. हाँ, समीर जी के गाने हमेशा अलग होते हैं. समीर जी जब भी लिखते हैं पोइट्री लिखते हैं, उनके गानों में मीनिंग्स होते हैं और एक इमोशन होता है, तो ये उसी टाइप का सॉन्ग है, तो मज़ा आया. I'm repeating myself. Do you think it's a new start to break the, you know, trend which is already going in the industry to getting something absolutely different, you know, जो हम देखते आ रहे हैं. जो हाँ, तो अब ट्रेंड को तोड़ना आसान नहीं होता. Let's see हम कितनी कोशिश में अपने कामयाब होते हैं. बाकी तो ऑडियंस पर है. Let's see. ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे अभी? मतलब मैं देख रहा हूँ 10 लाख व्यूज हो चुके हैं इसको गाना आया है. मैं ऑडियंस से कहूँगी कि बहुत सारी रील्स बनाइए और इस सॉन्ग को वायरल होना चाहिए. मुझे लग रहा है कि रील्स बनाने के लिए बहुत बेस्ट सॉन्ग है और आई थिंक बहुत सारे हार्ट ब्रोकन, बहुत सारे दिल टूटे हुए आशिक बहुत हैं, तो ये सॉन्ग उनके लिए है. ऑडियंस से क्या क्या कहना चाहेंगे? व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव द ऑडियंस? एक अच्छा गाना है, एक मीनिंगफुल गाना है, तो इसे आप देखिए. और समीर जी का कमबैक तो नहीं बोल सकते, मगर समीर जी ने एक अच्छा गाना लिखा है, तो मैं चाहूँगी कि ये लोगों तक पहुँचे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मेरा फोन
मैं बात करता हूँ, यू नो, समीर साहब की दिग्गज है इंडस्ट्री में, नसीर सरताज सोनी, उनके लिखे गानों को जुबान देना, ये कितना गर्व की बात थी, कितना चैलेंजिंग था आपको? सर एग्जैक्टली इट्स अ बिग थिंग फॉर मी एंड फॉर दैट आई रियली वांट टू थैंक अ म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ दिस सॉन्ग सिद्धार्थ भाई, जिन्होंने मुझे चुना इस गाने के लिए। हाँ, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज जिस तरह मुझे एक्सप्लेन किया था कि बिकॉज इट्स अ सैड एंड रोमांटिक दोनों कॉम्बिनेशन दिखाने इस गाने में, तो या इट्स अ वेरी टफ जॉब फॉर मी, बट हाँ थैंक गॉड सिद्धार्थ भाई इज देयर एंड ऑब्वियसली समीर सर। जब आप समीर सर के गाने सुनते हो तो डेफिनेटली एक अलग ही ऑरा आपके माइंड में आ जाता है, तो उसको फुलफिल करना या इट्स अ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, सो थैंक गॉड आई एम गेटिंग अ वेरी पॉजिटिव रिव्यू। फरहान, जब यू नो somebody like Rosalind who appreciating your work, do you think half the battle is won? Somebody who's reading the video of yours and she says kya wala awaaz hai. नहीं, बहुत अलग आवाज़ है। आप देखिए, एक सैड सॉन्ग के लिए बहुत अलग आवाज़ है जो दिल तक जाती है। एंड फॉर दैट आई रियली वांट टू थैंक हर, क्योंकि इन्होंने सेलेक्ट किया एंड हम लोग आई थिंक उस रिकॉर्डिंग में थे। नहीं, हम तो रिकॉर्डिंग तो मैंने देखी है इनकी काफी, एंड हम लोग मतलब काफी एंजॉय किया जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे। एंड हम लोग मैम मुझे एक्सप्लेन कर रही थी कि ये ऐसा होगा ऐसा होगा, वी आर गोइंग इन अ राइट वे, सो फाइनली जो हम लोग ने कोशिश की वो वी आर गोइंग हद तक के पहुंच गए हम लोग। वीडियो भी इतना अच्छा बना हुआ है ना, सिंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप गा रहे हैं उसके बाद जब उसको ऑन स्क्रीन उतारते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट और मायने रखता है कि वो कैसा दिख रहा है। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, लगता है कि एक लव स्टोरी है, धोखा है, फिर प्यार है, फिर अंत में आके इंतकाम है, यू नो। जब आपने वीडियो देखा आपका क्या रिएक्शन था? सर मेरा रिएक्शन तो लाइक एक वो था कि हाँ, धोखा तो ऑब्वियसली अभी मैंने उसके सबको मिलता ही है, इट्स मतलब इट्स अ वेरी नाउ इट्स बिकम अ वेरी कॉमन थिंग। बट हाँ, जब मैंने देखा कि ये इस तरह नहीं सोचा था मैंने, बट हाँ जब मैंने देखा कि यार ये तो कमाल का शूट हुआ है एंड मुझे कॉल्स आने लगे, मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिलने लगे कि भाई मतलब आपने गाया तो बहुत अच्छा है, बट शूट भी बहुत क्लासिक एंड बहुत अच्छे से हुआ है, एंड ऑफकोर्स मैम इज देयर, रोजिन मैम इज देयर, रोजिन बोल सकते हो, रोजिन इज देयर एंड रजनीश भाई इज देयर, सो एक अलग ही ऑरा क्रिएट हुआ एंड एवरीवन लव्ड इट, आई एम गेटिंग अ वेरी पॉजिटिव रिव्यू, सो थैंक्स टू गॉड। यू नो वो ट्रेंड खत्म हो गया, जब हम लिपसिंग की बात करते थे ना, पेड़ के आर्टिस्ट गा रहे हैं और लिपसिंग का ट्रेंड खत्म हो गया, अब बिल्कुल नया सा लगता है, मतलब एक मोंटाज में गाना चल रहा है और पूरी कहानी समझ में आ रही है। उस बारे में, उस मतलब जहां आप लिपसिंग नहीं कर रहे हैं और फिर भी आपको बताना है दर्शकों तक वो बात पहुंचानी है कि क्या कहानी चल रही है, इस बारे में क्या कह रही है, ये कितना चैलेंजिंग था आपके? एक्चुअली पहले से हमें पता चल गया था कि इसमें एक स्टोरी है, तो हम स्टोरी को कैरी करते हुए गए और उसके बाद में शायद मिक्सिंग में जैसे उसको सॉन्ग को लगाया गया होगा। आई थिंक आसान था इसलिए क्योंकि एक्टिंग बेस था। इनफैक्ट अगर डांस नंबर होता तो शायद काफ़ी टेक रीटेक होते, और इनफैक्ट ये डांस नंबर तो था भी नहीं, इसमें एक इमोशन था जो आई थिंक सही कैरी हुआ है, और वो पहले वाला टाइम चला गया आई थिंक जो हम पहले लिपसिंग कर रहे हैं, और तो उसमें इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करने मिलता है जितना आप लिपसिंग छोड़ कर अगर आप अदरवाइज एक एक्टिंग बेस कुछ चलते हो तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए, मेरे लिए ईजी था। एक म्यूजिक डायरेक्टर का अलग ब्रीफ होता है और एक डायरेक्टर का अलग ब्रीफ होता है, यू नो दैट टू पॉइंट ऑफ व्यू, एक संगीत के लिहाज से, यू नो वो जो विजुलाइज कर रहा है उसके लिहाज से, आपको क्या ब्रीफ था? सर मुझे यही ब्रीफ था, जब मैं माइक पे था तो सर ने मुझसे कहा, सिद्धांत सर ने, कि फरहान जस्ट इमेजिन कि तेरा दिल टूट गया है, तू किसी से बहुत अटैच था एंड तेरा दिल टूट गया है, तो नाउ अब तेरे दिल से वो यू नो एक आह जो निकलती है वो चाहिए। तो यार एवरीवन हैज अ पास्ट, ऐसी बात नहीं है, तो उसको वापस से याद किया एंड वो मूड पे लेके आया एंड कोशिश की एंड उन्हें अच्छा लगा एंड रिजल्ट आपके सामने। अच्छा, आप दोनों से पूछना चाहूंगा, मैं हालांकि रोजन से पूछ चुका हूँ, 90 का दशक याद आता है जब मैं बात करता हूँ, किस तरह के गाने 90 के दशक में हुआ करते थे, और समीर साहब खुद इसका हिस्सा है, क्या आप दोनों मानते हैं कि आप वो 90 के दशक को लाने की छोटी सी कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वैसे उसमें बीच में जो वायलिन और जो मैंडोलिन है वो काफी एकदम आज करंट टाइम है, तो ये दोनों का मिक्सचर है, इट्स नॉट प्रॉपर 90s भी नहीं है और आज का भी नहीं, बट इट्स अ मिक्सचर,
सो ये पूरा डिसाइड किया. आई थिंक सिद्धांत ने कुछ उनका बड़ा ही योगदान है इसमें, जो म्यूजिक कंपोजर है, तो ये उनका डिसाइड किया हुआ था कि ये सॉन्ग हम ऐसे बनाएंगे. एंड सर ऑनेस्टली बोलूँ ना, 90s एंड अब का मैं नहीं मानती. आप देख रहे होंगे कि अब वापस से वही जॉनर वापस आ रहा है. और एक अच्छा गाना तो अच्छा गाना ही है. मतलब अच्छा गाना तो चलता ही है. देयर इज नो नीड टू एनी कंपैरिजन आई नो. बट हाँ, अब वो टाइम वापस आ रहा है कि जहाँ ढोलक यूज हो रही है, जहाँ वायलेंस यूज हो रहा है, जो चीज़ मिसिंग होती है आज के दौर में. मैं मतलब वो पर्सनली किसी को नहीं बोलूँगा, बट जो चीज़ मिसिंग होती है, जो एक ना एक दिल को टच कर जाती है कि अरे यार क्या सुर लगा, तो वो चीज़ आई थिंक शायद वो मिसिंग है अभी, बट वो वापस रिटर्न आ रही है. और वैसे भी आई थिंक फरहान ने तो अभी तक क्लासिकल गाने बहुत गाए हैं, तो जितने भी गाए हैं तो सूफी है सर. सूफी मतलब माय नेम इज साबरी, सो एवरीवन नोस दैट के साबरी इज दी साबरी ब्रदर्स. मतलब दे आर माय रिलेटिव्स, बट या इट्स ऑन माय स्ट्रगल इज डिफरेंट एंड आवर देयर स्ट्रगल इज डिफरेंट. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग इज देयर, बट इन माय फैमिली आई बिलोंग टू म्यूजिकल फैमिली. मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिकॉज उनका एक अलग ऑरा है, उन्होंने अपनी मेहनत से वो मकाम अचीव किया है. एंड आई एम लाइक आई एम जस्ट कीप ऑन ट्राइंग एंड जस्ट ट्राई टू गिव माय बेस्ट. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच. बेटा फुटेज ले लो. थैंक यू सो मच. थैंक यू.